तो भाई आज हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 500 रुपये हैं। इसमें हम करेंगे 24 hours चैलेंज इन जस्ट 500 रुपीज़। मतलब खाना पीना सब इसमें आ जाएगा और कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा तो वो भी मुझे इसमें ही इंक्लूड करना पड़ेगा ठीक है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुझे तो लगता है कि इसमें से भी थोड़े पैसे बच जाएंगे ठीक है। और अभी तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि 24 hours करना है दैट्स व्हाई। तो बाकी सब बातें बाद में करते हैं, खाना पीना स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले पेट पूज जाए फिर काम हो जाए ठीक है भाई। तो देखो भाई लोग, हम लोग कोई गाड़ी लेकर निकल चुके हैं ठीक है। अभी ब्रेकफास्ट भी मेरा बाकी है दैट्स व्हाई पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। और इसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर और कुछ भी मतलब बाहर का कुछ मीठा तीखा कुछ भी खाने का मन हुआ वो हम सिर्फ और सिर्फ 500 से पूरा करेंगे ठीक है। मतलब अंडर 500 में ही हमें ख़त्म करना है, कुछ भी मतलब पॉकेट में से एक्स्ट्रा पैसे हम खर्च नहीं कर सकते 24 hours के लिए ठीक है। तो अभी ब्रेकफास्ट में पता नहीं हम क्या करते हैं, लेकिन गाड़ी में यूज़ नहीं करना चाहता था लेकिन गाड़ी हमें यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि हम यार गांव में रहते हैं ठीक है। मतलब यहाँ की मार्केट में जाने के लिए हमें मतलब 5, 10, 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो इतना तो हम चल नहीं सकते, तो गाड़ी तो यार यूज़ करनी पड़ती है ठीक है। और दूसरी मैंने ये सोचा है कि हम 100 या 150 रुपये से ज़्यादा की चीज़ हम नहीं खा सकते, मतलब 100 या 150 के अंदर ही खाना है ठीक है। मतलब एक टाइम की मील, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते क्योंकि उससे ज़्यादा हमने खर्च किया तो फिर बजट हिल जाएगा, फिर 3 टाइम का हम खाना नहीं खा पाएंगे ठीक है। मतलब आज के लिए 24 hours के लिए दैट्स वाई थोड़ा खर्चा भी देख के करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि हम हेल्दी ही खाएंगे, मतलब पिज़्ज़ा बर्गर ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है। मतलब हेल्दी में जो भी होगा वो, और नहीं होगा तो नहीं खाएंगे, ऐसा मैंने सोचा है। अभी हमने सोचा है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है तो कुछ हेल्दी खाते हैं, और हेल्दी में मैंने सोचा कि चलो सैंडविच ही खाते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा हेल्दी तो क्या ही होगा क्योंकि उसमें वेजेस होती है वो और ब्रेड होता है ठीक है। तो शुरुआत बोलो सैंडविच से ही करते हैं, और उसके साथ कुछ अच्छा सा शेक हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो मैंने सोचा कि उसके साथ ओरियो शेक ऐड कर देते हैं ठीक है। मतलब कुछ मतलब मीठा सा भी हो जाएगा और कुछ हेल्दी सा भी हो जाएगा, तो मतलब दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया हो जाएगी ठीक है। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट का हो गया, लंच का अभी देखते हैं। सो भाई लोग, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है और ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है। आप तो देख सकते हैं यहाँ पे है ओरियो शेक कुछ मीठा सा हो जाए, और यहाँ पे है सैंडविच फुल हेल्दी ठीक है। इसे हम हेल्दी तो नहीं बोल सकते लेकिन हमारे लिए तो हेल्दी है, समझ रहे हो ना। तो अभी लंच बाकी है और रात को डिनर बाकी है, और ऐसा वैसा कुछ बाहर का खाने का मन हुआ क्योंकि बाहर का भी हम खा ही नहीं सकते क्योंकि इधर है 330 रुपये खर्च हो चुके हैं। मैंने तो आप लोगों को बोला था कि 100-150 के अंदर ही हमें ख़त्म करना है ठीक है, लेकिन 330 हो चुके हैं। अभी हमारे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 170 रुपये। तो अभी सोचते हैं 170 रुपये में क्या आएगा, क्योंकि मैंने बोला था ना आप लोगों को कि थोड़ा चैलेंज हार्ड करते हैं, और अभी मुझे लग रहा है क्योंकि धीरे धीरे चैलेंज हार्ड होता जा रहा है क्योंकि ये भी खाना सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए पेट में रहेगा ठीक है। फिर तो हमें भूख लगेगी लगेगी, 170 में फिर 2 जन खाने वाले हैं ठीक है। और अगर अकेला चैलेंज में लेता, मतलब चैलेंज तो मैंने अकेला ही कर लिया है, लेकिन एक जन अगर साथ में हो तो चैलेंज थोड़ा हार्ड हो जाता है क्योंकि दोनों को खाना है ठीक है सिर्फ और सिर्फ 500 में, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए थोड़ा चैलेंज को हार्ड कर दिया, और एक ट्विस्ट आएगा आगे लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फिर अभी बता दिया अगर ट्विस्ट का मजा क्या है, समझ रहे हो ना। तो इसे खाना हम पहले ख़त्म करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। तो लंच के टाइम में मिलते हैं, और लंच का भी अभी सोचना पड़ेगा कि क्या लंच में खाए, वो तो कुछ हेल्दी सा ही खाना पड़ेगा सस्ता सा। अगर ये 500 में से भी कुछ मतलब पैसे बचे 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ठीक है, और वो हमें कोशिश करनी है कि थोड़े बच जाए। सुबह लोग, सैंडविच काफ़ी अच्छा है और हेल्दी भी है ठीक है। मतलब मैंने बोला था ना कि वेजीज वो टमाटो सब डाल के आप देख सकते हो थोड़ा अच्छा सा ही बना है। और यहाँ पे ओरियो शेक ठीक है, मतलब ओरियो शेक इतना मतलब ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छा है या हेल्दी है। मतलब देखो, मुंह के लिए बोलो या पेट के लिए बोलो ये अच्छा है क्योंकि टेस्ट में बढ़िया है, समझ रहे। मतलब कुछ ना कुछ तो टेस्ट में अच्छा खाना ही पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा भी हम हेल्दी खाना फिरते ये घास फूस ही खा ले तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते।
तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज यार करना पड़ता है। और अभी लंच में सोचा है कि कुछ ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, केले वेले या ऐसा कुछ खा के, मतलब उसे क्या कहते हैं, फ्रूट्स खा के कुछ ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, ओरियो शेक इतना भी अच्छा नहीं था, सैंडविच भी इतना भी अच्छा नहीं था, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ पेट बिगाड़ने के लिए हमने ये खाया, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी मैं लंच में सिर्फ फ्रूट ही खाने वाला हूँ। दो केले खा के पेट भर जाएगा, लेकिन ऐसा भी फालतू चीज़ मेरे को नहीं खानी है, समझ रहे हो। और मैंने जो आपको बोला था ना कि डिनर में मैगी, तुम लोग मैगी अगर खा लोगे ना तो शांति से नींद आ जाएगी, लेकिन ऐसा तुम वाहियात चीज़ खाओगे ना तो घंटा तुम्हें नींद नहीं आने वाली है, ठीक है। मतलब जो कहते हैं ना कि घर का खाना तो घर का खाना होता है, किसी होटल में कितनी भी फाइव स्टार में भी तुम खा लो, लेकिन घर का खाना वो घर का खाना है, ठीक है। अभी मुझे वैसा वाली फील आ रही है, क्योंकि 24 आवर चैलेंज सिर्फ अंडर 500 में मैंने करने का सोचा था, लेकिन वो तो हम पूरा करेंगे नो डाउट, लेकिन इतना सोच लिया है कि अभी बाहर का कुछ भी खाने में कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। और सैंडविच भी थोड़ी सूखी सूखी और ऐसे मैंने थी, ज़्यादा अभी बोल नहीं सकती इसके बारे में, लेकिन अच्छा नहीं था, समझो शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूँ कि कुछ भी अच्छा नहीं था। ओरियो से मैं पानी का टेस्ट आ रहा था, ओरियो का तो कुछ टेस्ट ही नहीं था, ठीक है। मतलब इतना बोल सकते कि 330 पानी में गए, और ऊपर से पेट पेट नहीं बिगड़े तो अच्छा है, क्योंकि बाहर का ऐसा कुछ ऐसा वैसा खा लेंगे फिर पेट बिगड़ेगा तो वो भी हमारे ही सिर पे, ठीक है। तो अभी मैंने सोच लिया कि लंच में सिर्फ फ्रूट खाएंगे और कुछ भी नहीं, फ्रूट में केले एप्पल कुछ भी चलेगा, लेकिन अभी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खाना है। तो गाइस हमारे पास 170 रुपये बचे थे, उसमें से हमने ये ले लिए 50 रुपीज़ के, मतलब 50 रुपये का, ठीक है। इसे ये पता नहीं क्या कहते हैं हमारे गुजराती में, इसे बोर कहते हैं, ठीक है, बोर बैर आप जो भी बोलो वो कहते हैं, लेकिन उसका वो क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश में हमें मतलब नहीं मालूम है, तो आप बोर ही समझ लो। तो 50 रुपीज़ के हमने ये ले लिए, अभी हमारे पास बचे हैं 120 रुपीज़, और लंच में तो मैं यही खाने वाला हूँ, 10-12 खा लूँगा तो पेट भर जाएगा। अभी ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं खाना है, मैंने बोला था कि अब लंच में सिर्फ फ्रूट ही खाएंगे, तो लंच का टाइम हो चुका है और यही खा लेंगे, बस बहुत हो गया। और 2-3 केले खा लेंगे, मतलब आ जाएगा। और रात में तो मैंने सोचा कि 100 रुपीज़ बचा लूँ, और वो 12 रुपये वाली क्या कौन सी वाली, वो 10 वाली 12 वाली मैगी आती है ना वो ले लो, और एक वो मैगी का 5 वाला मसाला, तो मतलब रात का डिनर में 20 रुपये में हो जाएगा, तो 100 रुपये में बचा लूँगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब 500 खर्च करना ही है, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर 500 में से 50 रुपये 100 रुपये जो भी बचे तो बहुत अच्छी बात है, तो हमने इतना सब खा के भी अगर 100 रुपये बचा लिए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, क्योंकि पैसे की वैल्यू होनी चाहिए हर एक आदमी को, ठीक है ना भाई। और ये हमें कहीं ना कहीं 100 रुपये काम आने ही वाले हैं। तो फाइनली गाइस उठ पटंग चीज़ें खाने के बाद, उठ पटंग चीज़ें देखने के बाद, ये हमने सिर्फ बोर खा के मतलब बैर खा के लंच हम ख़त्म कर देंगे यहाँ पे, मैगी लेके रात को मैगी बना के खा लेंगे, तुम्हारा भाई चैलेंज कंप्लीट कर देगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन अभी का हम हेल्दी बोल सकते हैं, इसे तो हम हेल्दी बोल सकते हैं, ठीक है। ये खा के लंच हमारा हुआ ख़त्म, क्योंकि ज़्यादा हम खा भी नहीं सकते क्योंकि पेट में अभी जगह भी नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर जितना भी खाएंगे वो, समझ रहे हो ना, दैट्स व्हाई ये खा के हमने ख़त्म कर दिया। सो गाइस डिनर के भाई इंतजाम तुम्हारे भाई ने कर लिया, ये है 12 रुपये वाली मैगी, 12 का ही है ना, 12 की है, और यह है 5 रुपये वाला मैगी का मसाला। मतलब इसमें जब तक ये मसाला नहीं डालो ना तब तक मैगी का स्वाद आता ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो ये हम रखते हैं साइड में, और अब हमारे पास बच चुके हैं 100 रुपीज़, और वो तुम्हारा भाई सेव कर देगा, मतलब उसे खर्चा नहीं करेगा। और जो मैंने गुजराती में आपको बोर बताया था ना, वो आप गूगल भी कर सकते हो, उसे बोर ही कहते हैं, और हिंदी में उसे बैर कहते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे भाई भी आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप गूगल करके देख सकते हो, क्योंकि मैं सबूत के साथ ही बात करता हूँ भाई। अब लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं बाहर का जंक फूड ऐसा कुछ नहीं खाऊंगा, और मैं नहीं खाता हूँ, नहीं खाऊंगा ऐसा नहीं बोला था, मैं नहीं खाता हूँ ऐसा मैंने आपको बोला था, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे खा के ख़त्म करना पड़ा, ये सैंडविच वैंडविच जो भी हमने खाया वो अनहेल्दी ही था। लेकिन हमारे में क्या होता है कि थोड़ी वेजेस देख लेते हैं और ब्रेड ब्रेड देख लेते हैं, तो मतलब वो होता है कि हेल्दी है, खा सकते हैं, हेल्दी है, लेकिन हेल्दी नहीं है भाई। जो भी तुम बाहर का खाओगे, फास्ट फूड खाओगे या
मतलब ऐसा कुछ भी तुम खाओगे वो अनहेल्दी होता है, वो तो सिर्फ तुम अपने माइंड को शांत करने के लिए और अपने माइंड को कन्वेंस करने के लिए तुम सिर्फ बोल देते हो कि हेल्दी है, खा सकते हैं। हेल्दी नहीं है भाई, हेल्दी वही चीज़ है जो तुम घर का अच्छा खाओ, स्वस्थ खाओ, ठीक है, और उससे भी हेल्दी क्या है, माँ के हाथ का बना हुआ खाना, ठीक है भाई, वही सबसे ज़्यादा हेल्दी रहता है। आज का वीडियो यहीं तक था, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, और आप लोग अगर तुम्हारे भाई का कोई चैलेंज देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, कुछ भी हो, अगर पॉसिबल हो सका तो वो हम कंप्लीट ज़रूर करेंगे, ठीक है, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है, और आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई, और चैलेंज भी बता देना, और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, कौन सी सिटी से, कौन से गांव से, कौन से शहर से, वो भी बता देना, ठीक है भाई, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।